नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रिकमेंडेड टेबल के बारे में। पाइवट टेबल के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से इसे देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे रिकमेंडेड टेबल के बारे में, आखिर रिकमेंडेड टेबल होती क्या है और ये पाइवट टेबल से डिफरेंट क्यों होती है। पाइवट टेबल के बारे में मैंने आपको बताया था कि एमएस एक्सेल में काम करते समय कई बार डेटा इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है जिसे देख पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसे में पाइवट टेबल का उपयोग करके पूरे डेटा को कम से कम जगह में संक्षिप्त रूप से देखा जा सकता है। आसान भाषा में अगर हम कहें तो पाइवट टेबल पूरे डेटा का एक संक्षिप्त रिपोर्ट होता है। और इस वीडियो में हम जानेंगे रिकमेंडेड टेबल क्या होती है। तो रिकमेंडेड टेबल बेसिकली पाइवट टेबल ही होती है, लेकिन हमें एमएस एक्सेल रिकमेंड करता है कि आप कितने तरीके से डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाऊं, आप यहां पर देखेंगे हमने कुछ एम्प्लॉइज के नेम लिए हुए हैं, यहाँ पर हमने कुछ डिपार्टमेंट सेलेक्ट किए हुए हैं और यहाँ पर हमने सेल 2020 और 2021 का डेटा लिया हुआ है। डेटा को मैंने बहुत ही छोटा लिया है ताकि मैं आपको इसे समझा पाऊँ। और सबसे पहले हमें करना क्या है, डेटा को हमें एक बार सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद जैसे हम रिकमेंडेड टेबल पर क्लिक करेंगे, रिकमेंडेड पाइवट टेबल पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जिसमें आप देखेंगे आपको कई तरह से रिकमेंड किया जा रहा है। आप इस तरीके से डेटा को रिकमेंड कर सकते हैं, या इस तरीके से देख सकते हैं, या इस तरीके से देख सकते हैं। यानी आप जितने तरीके से देखना चाहें उतने तरीके से इस डेटा को यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। आपको और भी बहुत सारे डिफरेंस तरीके दिखाई देंगे जिसको आप अलग अलग तरीकों से रिकमेंड कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमने ये वाला फॉर्मेट सेलेक्ट किया और इसके बाद हमने किया सिंपली इसे ओके, तो आप देखेंगे इसकी पाइवट टेबल यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने इलेक्ट्रॉनिक, फर्नीचर और गारमेंट्स, तीनों ही हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं, जिसके अंदर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक के अंदर हमारे पास कौन कौन है जो हमारे पास वर्क कर रहा है और उसने कितनी कितनी सेल की हुई है, जैसे मैंने आपको पाइवट टेबल में बताया था। साथ के साथ ये आपका ग्रैंड टोटल भी आपको रिप्रेजेंट कर दे रहा है। अगर आप बाहर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे आपकी जो पाइवट टेबल थी, यानी आपकी जो रिकमेंडेड टेबल थी, वो यहाँ से गायब हो चुकी है। जैसे ही आप पाइवट टेबल पर यहाँ पर क्लिक करेंगे वो डेटा वापस से आ जाएगा, आप इसे अपने हिसाब से एनालाइज कर सकते। जैसे मैं यहाँ पर नेम ऑफ एम्प्लॉयज को यहाँ से हटाना चाहता हूँ, तो नेम ऑफ एम्प्लॉय यहाँ पे हट चुका है। इसके बाद जैसे ही मैं इस पर टिक करूंगा तो आप देखेंगे वापस से डेटा हमारे पास रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं सेल 2021 को यहाँ से हटाना चाहता हूँ तो आप देखेंगे सेल 2021 का डेटा यहाँ से हट चुका है। तो इसी तरीके से आप रिकमेंडेड टेबल के अंदर आप डिफरेंट टाइप से रिकमेंड कर सकते हैं डेटा को और अपने हिसाब से इसको एनालाइज कर सकते हैं। यही डिफरेंट है पाइवट टेबल और रिकमेंडेड टेबल के अंदर। और इसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर टेबल का, ये टेबल क्या काम करता है। तो हम वापस से अपने पुराने डेटा पे चले जाते हैं और यहाँ पर टेबल को सिलेक्ट करते हैं। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, माई टेबल हैज हेडर, यानी मेरी टेबल पर ऑलरेडी हेडर है तो मुझे हेडर की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसको टिक मार्क रखूंगा और सिंपली इसे ओके कर दूंगा। अगर आपके टेबल पर कोई भी हेडर नहीं है तो आप इसे टिक मार्क को हटा देंगे और यहाँ पर ओके कर देंगे। ओके प्रेस करने के बाद आप देखेंगे हमारा जो डेटा था वो एक टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे फिल्टर भी लग चुका है, फिल्टर के हिसाब से मैं डेटा को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कर सकता हूँ। और उसके बाद मैं आपको इसका यूज दिखाता हूँ, इसका यूज होता क्या है। मान लीजिए हम इसका एक बार टोटल कर लेते हैं, यहाँ पर टोटल करने के बाद मैंने क्या किया, सेल 2020 और 2021 को हम यहाँ पे टोटल कर लेते हैं, इज इक्वल टू इसको और प्लस इसको कर दिया हमने प्लस। आप देखेंगे यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सबका टोटल अपने आप आ गया, हमें इसे ट्रैक करने की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरा, अगर यहाँ पर हम किसी एम्प्लॉय का नेम ऐड करते हैं, जैसे मैंने ऐड कर दिया दीपक, और एंटर प्रेस करते ही आप देखेंगे यहाँ पर वो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली पेस्ट हो चुका है। यहाँ पर अगर हम कोई भी वैल्यू दे देते हैं तो आप देखेंगे वो वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी, यानी वो ऑटोमेटिकली इसका सम निकाल देगा। यानी तो हमें बार बार फॉर्मूले को पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। टेबल के अंदर अगर हमने डेटा को अपने कन्वर्ट कर रखा है तो वो फॉर्मूले को ऑटोमेटिकली जहां तक आपका डेटा है वहां तक पेस्ट करता चला जाता है। तो यही थे हमारे ऑप्शंस, रिकमेंडेड टेबल और पाइवट टेबल। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।